हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। ये एक रिव्यू का वीडियो है, जो एक प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने जा रही हूँ। टेस्टेड एंड ट्राइड है, मतलब मैंने खुद मेरे पैसों से इस प्रोडक्ट को मंगाई है और इसे टेस्ट भी कर चुकी हूँ, मतलब यूज़ भी कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 20 to 25 days हो चुका है। तो ये कौसा प्रोडक्ट है, ये है फेस सीरम का है, मामा अर्थ। देखिए, मामा अर्थ का स्किन प्लम्प फेस सीरम मैंने मंगाई थी और ये कुछ इस तरह से मेरे को पार्सल डिलीवर हुआ था। देखिए, ये है मामा अर्थ का, कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। वेरी क्यूट पैकेजिंग बोल सकते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स में मिल जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरह का आपको इसका कवरेज कर किया जाता है और इसका कार्डबोर्ड बॉक्स में ये आपको मिलता है, इस प्रोडक्ट इसमें रहता है। और पिक्चर में जैसे दिखाया जाता है ना, वो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन इतना ही साइज़ है इसका। आई थिंक देखिए, इतना ही इसका मेजरमेंट है। तो इस डिब्बी में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है और इस कार्डबोर्ड बॉक्स में, और उसे बहुत सेफ गार्डिंग पैकेजिंग करते हैं। यह है क्या बोलते हैं इसे, बबल रैप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। मैंने इसका पर्सनली इसका जो वेबसाइट है, मामा अर्थ का वेबसाइट जो है, उसमें से मैंने ऑर्डर किया था और मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 days के अंदर ही मेरे को ये प्रोडक्ट मिल चुका था। ओके, तो ये यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 20 to 25 days हो गया है। जैसे पिक्चर में दिखता है इसका, साइज़ मेरे को आई थॉट लाइक बहुत एटलीस्ट इतना साइज़ का तो रहेगा, लेकिन ये 30 grams का है। ओके, बहुत ही अच्छा क्रीम है या नहीं, ये मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो पहले मैं ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको बता दूँ। तो ये एक तरह कार्डबोर्ड बॉक्स में आपको मिलता है, 30 grams का प्रोडक्ट है ये। इसमें लिखा है मामा अर्थ स्किन प्लम्प फेस सीरम विथ हाइलोरोनिक एसिड, जो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप 20 plus क्रॉस कर चुके हो तो इस तरह का एसिड, जो हाइलोरोनिक एसिड होता है, उस तरह का जो क्रीम्स होता है आपको यूज़ करना ही होता है। एंड इसमें है रोज़ हिप ऑयल, अगेन अनदर वेरी गुड मिक्सचर फॉर स्किन। और ये यहाँ लिखा है फॉर एजलेस स्किन, और यहाँ है पैराबेंस एंड सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। और यहाँ पे लिखा है डायरेक्शंस फॉर यूज एंड टिप्स फॉर एजलेस स्किन, जो भी टिप्स दिए हैं मैं पढ़ के भी बोल देती हूँ। फॉर हेल्दी स्किन, गेट एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट, ड्रिंक एटलीस्ट 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे टू कीप योर स्किन नरिश्ड। फॉर यूथफुल स्किन, इनकॉर्पोरेट फूड सच एज एवोकाडोस, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, नट्स एंड फिश इन टू योर डाइट। तो ये कुछ टिप्स भी लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक सो ये कोई और प्रोडक्ट्स में ऐसा लिखा होता है कुछ टिप्स फॉर योर स्किन के लिए। तो ये आई थिंक सबसे पहला प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह के टिप्स भी मेंशन करते हैं आपके प्रोडक्ट्स के बॉक्स में। तो हु इज़ इट सूटेबल फॉर, मैन एंड वुमेन ऑफ एज 15 years एंड अबव। तो ये क्रीम जो है, इवन मैन कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो इस तरफ आएंगे कुछ इनका प्लास्टिक पॉजिटिव, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन वी यूज। तो प्लास्टिक पॉजिटिव बताया जा रहा है यहाँ पे, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन वी यूज, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिक का मात्रा भी कम होता है। तो मार्केटेड बाय वो सभी है यहाँ पे है, उनका एड्रेस दिए है, मैन्युफैक्चर्ड बाय कुछ भी है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट है 12th, दैट इज़ दिसंबर 2019, उनका बैच नंबर है यहाँ पे है, और यूज़ बिफोर 2021। तो 19, 20 and 21, तो इसका शेल्फ लाइफ है 2 years तक यहाँ पे लिखा है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन का वीडियो अलग से दिखा दूंगी, क्लिप है तो ज़रूर देखिएगा। और उनका ट्रेडमार्क कुछ है, इसका नेट कंटेंट है 30 grams, और यहाँ पे अगेन हाइड्रेट स्किन, रिफाइंस पोर्स, रिड्यूसेस फाइन लाइंस, ठीक है। और इसका इंग्रेडिएंट्स, तो बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला है। ओके, और यह था ये बॉक्स का डिस्क्रिप्शन,
आगे का क्लिप में देखिएगा ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है, ओके। और उसके बाद वापस आएगा ज़रूर, मैं इसको कैसे यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद ये कैसे दिखता है, कैसे यूज़ हुआ मेरे को वो बता दूँगी, ओके। अगर आप इसे खोलेंगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगा, और इसको आप जब आप खोलेंगे तो इस तरह का डायमेंशन का है, ये नॉर्मल प्लास्टिक का मटेरियल है, और इसमें लिखा है सेम वही लिखा है जो इस बॉक्स में लिखा हुआ है। तो इसे 30 ग्राम का प्रोडक्ट है ये, और आपको इसे खोलना पड़ेगा इस तरह से, लिड खुल जाता है, और ये स्क्वीजिन का प्रोडक्ट है, इस तरह से आपको स्क्वीजिंग करना है। उसका टेक्सचर देखिए बहुत रनी टेक्सचर है, बहुत सॉफ्ट है, और बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है और ग्लोई भी लगता है। तो इस तरह का स्क्वीजिंग मटेरियल है ये, इस तरह से आता है, और इसे आप बंद कर सकते हो। ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप आराम से इसे ट्रैवल फ्रेंडली की प्रोडक्ट तरफ भी कंसिडर कर सकते हो, आराम से कैरी सकते हो। तो इस तरह का मटेरियल है, और इसे मैं आपको लगा के दिखाऊंगी ये कैसे यूज़ करना है और कैसे काम करता है। तो देखिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, नो मेकअप, नो टोनर, टोनर भी नहीं लगाया हुआ है। तो जस्ट फ्रेश होके आई हूँ, तो जस्ट काजल और लिप बाम लगाई हूँ, उतना ही देख सकते हैं आप। तो अब मैं मामा अर्थ का इस क्रीम को मेरे फेस पर लगा के दिखाऊँगी। ये बहुत ही रनी टेक्सचर है, बहुत अच्छा स्मूथ है, सॉफ्ट है, ओके। तो इसे लगाने के बाद आप बहुत लाइट फील करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कुछ सीरम आपके फेस पे लगाया है। बहुत लाइट वेटेड है, और इसका फ्रेग्रेंस बहुत लाइट है, अच्छा है, मतलब फ्रेग्रेंस भी इसका अच्छा है। चाहे तो और भी ज़रा ले लेती हूँ, ठीक है। इसका रनी टेक्सचर है, नेक पे भी डाल लेती हूँ। इसे रोज में 2 टाइम यूज कर रही हूँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 15 to 20 days हो चुका है, और ये मैंने खुद अपने पैसों से मंगाई है रिव्यूज देखने के बाद। इस तरह से आपको लगा लेना है, आप चाहे तो टोनर लगा के भी इसे लगा सकते हो। और 2 मिनट के लिए इसे मसाज कर ले सकते हो, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी आपको अच्छा हो जाएगा फेस पे। और देखिए कैसा शाइन करता है ये, और देखिए कैसा शाइन कर रहा है, आपको बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं लगेगा, चिपचिप बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे अच्छे से मसाज करेंगे, अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में। देखिए मेरे फोरहेड पे कैसे शाइन कर रहा है, देखिए यहाँ चीक्स पे, नोज पे, बहुत अच्छा सीरम है दोस्तों। 10 to 15 days, ऑलमोस्ट 20 days क्रॉस हो चुका है मैं इसे यूज़ करते हुए, बहुत अच्छा फ़र्क दिख रहा है मेरे स्किन पे, बहुत प्लम्प फील कर रहा हूँ। तो ये स्किन प्लम्प फेस सीरम मैंने ऑलमोस्ट 20 to 25 days, उससे भी ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, 30 ग्राम्स का है। मैंने इसे एटलीस्ट दिन में 2 बार तो यूज़ किया ही है, मतलब रोज़ नहीं, एटलीस्ट 1 बार तो इसे रोज़ यूज़ किया है, लेकिन अगर यहाँ वहाँ मिस हुआ है तो एक टाइम तो यूज़ ज़रूर किया है इसे, और अभी तक इसमें अभी भी बचा है, आई थिंक बहुत दिन तक भी यूज़ कर सकती हूँ। जितना क्वांटिटी में ये लेती हूँ, मैंने दूसरी क्लिप में भी दिखा दिया, उतने ही क्वांटिटी में रोज़ यूज़ करती हूँ दोस्तों। तो 30 ग्राम्स का पैकेट, मतलब ये जो पैक है, ये बहुत दिन तक चलता है, आप आराम से इसे यूज़ करते हैं। इसे फेस सीरम की तरह आपको यूज़ करना है, ओके। आफ्टर
फेस वॉश आपको टोनर लगाना है, टोनर लगाने के बाद आपको ये सीरम लगाना है, सीरम लगाने के बाद आपको इसके ऊपर ना हल्का सा मॉइस्चराइज़र भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये फेस सीरम जो है आप जब लगाते हो, अच्छे से मसाज देते हो, ये पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, ग्लोई स्किन देता है, उतना ड्राई नहीं लगता है उस टाइम के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो ज़रा सा ड्राई सा फील होता है फेस पे। अगर आप डायरेक्टली कोई फाउंडेशन ये वो लगाते हो तो ज़रा सा ड्राइनेस फील होता है आफ्टर यू नो लाइक 4 to 5 आवर्स। तो इसलिए ज़रा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, दिन भर हाइड्रेट करके रखता है आपके स्किन को। जो जब आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजिंग लगाएंगे ना, इसका काम जो है अंदर उसका काम कर ही देता है, ओपन पोर्स को रिड्यूस करता है, स्किन टाइटन बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें हाइलोरोनिक एसिड जो है वो आपके स्किन को एजलेस बनाता है, मतलब स्पॉटलेस बनाता है, फाइन लाइन्स को कम करता है, रिंकल्स को वैनिश कर देता है, और पिगमेंटेशन और आपके जो भी जूरिया हो, दाग धब्बे हो, वो भी क्लियर करने में बहुत मदद करता है ये फेस सीरम। तो आप देख सकते हो, मतलब अब तो मेकअप है ही, अदरवाइज मेरे स्किन बहुत क्लियर है अब तो। मेरा जो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइन लाइन ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लगता था, मेरा एक गंदी आदत है, मतलब आई ऑलवेज लिफ्ट माई आईब्रोज लाइक दिस एंड टॉक, ऐसा बात करने से वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फाइन लाइन्स बैठ जाता है। जब भी अब मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ या ज़्यादा ऐसा बात करती हूँ ना, तो यहाँ पे ज़्यादा दिखता था। देखिए अभी बहुत कम दिखता है, इतना ज़्यादा हो गया था तो ये कम हो गया है फाइन लाइन, ये मेरा फोरहेड का फाइन लाइन्स कम हो गया है। यहाँ पे जब मैं ऐसा करती हूँ तो देखिए ये भी फाइन लाइन्स कम हो गया है, और यहाँ पे जो डार्क पैचीनेस था वो भी कम हो गया है, और यहाँ पे जो फोर ओपन पोर्स मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया था, कुछ टाइम के लिए ना स्किन का केयर नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ओपन पोर ज़्यादा हो जा रहा था, और बार बार नाक पे इस एरिया पे ना नोज के एरिया पे बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स विथ ब्लैक हेड्स भी आया करता था। ओके, तो हॉनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, जब से मैंने ये सीरम यूज़ किया है कंटिन्यूसली फॉर 20 to 25 डेज, मेरा स्किन सच में, मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, खुद पैसे मेरे पैसों से मंगा के ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है। जैसे इन लोगों का प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, उसमें पैराबेंस और सल्फेट्स या सिलिकॉन से फ्री होते हैं, सच में ये आपकी स्किन को बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देता है, बहुत ही अच्छा काम कर देता है। इसका जो भी इसका रोल होता है ना आपकी स्किन में, वो पूरा करने में बहुत मदद करता है। इतना ही सजेशन है, इसे लगाने के बाद ज़रूर कोई भी आपके मनपसंद का, कोई भी आपके सूटेबल स्किन का मॉइस्चराइज़र होता है वो लगा लीजिएगा, दिन भर अच्छा हाइड्रेट करता है स्किन को, बहुत सॉफ्ट एंड सप्पल करके रखता है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए आपकी स्किन बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा रहता है। तो ये मैं 2 टाइम यूज़ करती थी, बीच बीच में एक ही टाइम यूज़ करना पड़ रहा था, तो आपकी मर्ज़ी, जैसे आपके टाइम कन्वीनियंट रहो ऐसा यूज़ की कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको 2 टाइम ही यूज़ करना है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स विद कम टाइम में चाहिए तो आप इसे 2 टाइम लगाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ 1 टाइम अगर आप यूज़ करेंगे तो भी चलता है। बेस्ट टाइम टू यूज़ दिस प्रोडक्ट विल बी बिफोर बेड। ओके, तो बिफोर बेड जो अभी आपका नाइट टाइम रूटीन होता है ना, नाइट स्किन के रूटीन होता है ना, इसमें इसको शामिल कर लीजिएगा आपके नाइट स्किन के रूटीन में, तो बहुत काफ़ी है। नाइट में जो सही टाइम होता है, जो स्किन को टाइम देना होता है, वो है नाइट टाइम। तो इसको अच्छे से रिपेयर करने में, शांति से आप जब सोए रहते ना, इसका काम आराम से कर लेता है, तो जो भी ओपन पोर्स हो, पिगमेंटेशन, बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी जो पेरेंटिंग रिलेटेड है, बेबी टिप्स रिलेटेड है, तो उसका नाम है मामा की दुनिया। मामा की दुनिया के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।